आपके पोर्टफोलियो में से कोई भी आपको शेयर जब सेल करना हो तो कुछ इस तरह से जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको तो पता है वो OBID जिसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है कि पिन मांग रहा है और BOID क्या है। तो यहाँ पे जो है नीचे आपको एक बात बताना चाहते हैं कि BOID मतलब आपका जो डीमैट अकाउंट नंबर है वही BOID रहता है। तो उसका जो है नीचे यहाँ पे देखिए कॉपी आईडी करना है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जनरेट पिन पे क्लिक करना है और जनरेट पिन पे आप जब क्लिक करेंगे तब आपको कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा विंडो। उसके बाद में यहाँ पे हमें BOID जो आपका डीमैट अकाउंट का नंबर है वो और पैन नंबर दोनों वहाँ पे फिल करना है। तो आप समझ गए होंगे, जैसे आप डालेंगे वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट करिए, उसके बाद OTP आएगा, OTP भी सबमिट करिए। उसके बाद यहाँ पे थैंक यू आता है, यहाँ पे हेयर हेयर प्लीज़ क्लिक हेयर करेंगे तो पीछे आप चले जाएंगे, ठीक है। और जैसे आप पीछे चले जाते हैं तो आपका जो है पिन जो है जनरेट हो चुका है। और उसके बाद में अपने को जो है यहाँ पे देखिए कि फिर से जो भी क्वांटिटी है सेल करना है उसके ऊपर सेल क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आई हैव पिन, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका टी पिन मतलब जो टी पिन इसको क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन पिन वो जो आया हुआ है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, मैं मेरा डाल देता हूँ। उसके बाद कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है। और उसके बाद फिर से एक OTP आएगा और OTP आने के बाद ट्रांजेक्शन अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये ट्रांजेक्शन पिन कैसे आता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन पिन आया आपके पास में, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे सेल हो गया, ऑर्डर मार्केट थी तो कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद दिन में मैंने एक बार अभी ये और एक बार ट्राई करते हैं कि ये फिर से पिन मारता है, मांगता है कि TP के जो भी पिन है, तो यहाँ पे और एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ और उसके बाद जो है देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना क्वांटिटी है यहाँ पे एक डाल के उसको जो है कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक चेक करने के लिए सेल किया है, तो आप इसको सिर्फ मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, नहीं तो आपका एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, बाकी आपके ऊपर कौन सा शेयर लेना है देना है जो भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि रिव्यू कर दिया ऑर्डर, उसके बाद सेल कर दिया, तो ये डायरेक्टली सेल हो गया, उसमें कोई टेंशन नहीं रहा कि उसका पिन मांग रहा है ऐसा वैसा, ठीक है। पहले पुराने इसमें OTP पे चलता था, लेकिन अभी जो है टी पिन पे हो रहा है, और जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो भी चीज़ें हैं सब समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए। और ये पिन बार बार चलता है कि नहीं पता नहीं, एक बार वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Happy investing. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.